हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JMS स्टडी टॉप वन। तो आज हम लोग का चैप्टर फिजिक्स का चैप्टर क्या है, वन है, प्रकाश का परावर्तन। भौतिकी का हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाला क्या है, तो आज हम लोग का बहुत ही अच्छा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो पहला हम लोग इसमें क्या पढ़ना है, प्रकाश और उसके स्रोत। क्या पढ़ना है, प्रकाश और उसके स्रोत। तो इसके बारे में पहले हम प्रकाश के बारे में जान लेंगे, उसके बाद उसके स्रोत के बारे में जान लेंगे। पहला क्या है, प्रकाश, लाइट। तो प्रकाश, तो प्रकाश तो मतलब मान लीजिए कि आँख के अतिरिक्त हमको क्या, प्रकाश का भी होना जरूरी होता है। जैसे हम अंधेरे कमरे में जाते हैं तो हम किसी भी वस्तु को देख नहीं पाते, वहाँ पर क्यों नहीं देख पाते, क्या, क्योंकि वहाँ पर क्या नहीं होता है, प्रकाश नहीं होता। तो प्रकाश का होना जरूरी है, आँख के अतिरिक्त क्या होता है, प्रकाश का होना जरूरी। तो प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ कर और लौट कर जो प्रकाश उससे जो लड़ता है प्रकाश और हमारी आँख तक आता है, जिसके कारण क्या होता है, हम किसी वस्तु को देख पाते। किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है, उससे लौटे हुए प्रकाश हम, उससे लौट कर प्रकाश हमारी आँख तक आता है, तो क्या होता है, उससे हम क्या करते हैं, उस वस्तु को हम देख पाते हैं। तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो प्रकाश क्या है, तो बहुत सिंपल, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। तो प्रकाश के कारण हम क्या करते हैं, वस्तुओं को देखते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। और दूसरा क्या हो जाएगा, प्रकाश स्रोत। तो क्या है, प्रकाश स्रोत, लाइट सोर्स, मतलब हम किसके बारे में, प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, इसके बारे में जानना है। तो प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, ये कितना दो हो जाएगा, तो प्रकाश स्रोत के बारे में हम लोग जानेंगे। सिंपल है, प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, जिस वस्तु से प्रकाश निकल उसे क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत। क्या होगा, जिस वस्तु से प्रकाश निकल उसे क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिससे भी प्रकाश निकलते हो क्या कहते हैं, प्रकाश। जैसे सूर्य से प्रकाश, तो फिर सूर्य क्या हो जाएगा, प्रकाश स्रोत है। टॉर्च से प्रकाश निकलता क्या होता है, टॉर्च भी क्या, एक प्रकार से प्रकाश का स्रोत है। तो कुछ प्रकाश स्रोत क्या होते हैं, कुछ प्रकाश स्रोत प्राकृति होते हैं और कुछ मानव निर्मित। प्राकृति में जैसे क्या हो जाएगा, आपको प्राकृति में प्राकृतिक, तो कुछ प्रकाश स्रोत क्या होते हैं, प्राकृति, और कुछ होते हैं मानव निर्मित। तो कुछ प्रकाश स्रोत प्राकृति में जैसे हो जाएगा सूर्य, तारे, तारे, चंद्रमा आदि, ऐसे क्या हो जाएगा, प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत है। अब मानव निर्मित क्या हो जाएगा, मानव निर्मित जैसे हो जाएगा बल्ब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बल्ब, लैंप, लाल टेन, ऐसे क्या हो जाएगा, आपको हो जाएगा मानव निर्मित। तो कुछ प्रकाश स्रोत प्राकृतिक होते हैं, प्राकृतिक स्रोत कैसे, सूर्य, तारे, चंद्रमा, ऐसे क्या हो जाएगा, आपको प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत होगा। और प्रकाश के मानव निर्मित स्रोत क्या हो जाएगा, बल्ब हो जाएगा, लैंप हो जाएगा, लालटेन हो जाएगा, मोमबत्ती, ये सब क्या हो जाएगा, आपका प्रकाश के मानव निर्मित स्रोत हो जाएंगे। प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें अन्य प्रकार के विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश में बदला, मतलब क्या करना, प्रकाश को ना, प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें अन्य प्रकार के विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश में बदला। जैसे क्या हो जाएगा, जैसे लालटेन, लैंप आदि में तेल में संचित रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश में बदला जाता है। इसी प्रकार बिजली के बल्ब और टॉर्च में विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में परिणत किया जाता है। इस प्रकार हम पाते हैं कि ऊर्जा के विभिन्न रूपों में प्रकाश की प्राप्ति होती है। मतलब क्या होता है, जो लैंप लालटेन होता है इसमें हम क्या, तेल लगते हैं, तेल को संचित रासायनिक, किस क्या होता है, संचित रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश में बदला जाता है। जो तेल हम लोग रखते हैं उससे क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा होता है, क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा को हम किस में बदलते हैं, प्रकाश में, जिससे हम लोग क्या होता है, प्रकाश निकलता है, प्रकाश में बदला जाता है। इसी प्रकार जो बिजली के बल्ब और टॉर्च में क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में परिणत करते हैं, मतलब उसमें क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को हम लोग किसके रूप में परिणत करते हैं, प्रकाश के रूप में। और लैंप और लालटेन में किस, तेल को हम किस में, रासायनिक ऊर्जा के रूप में प्रकाश में बदलते हैं। तो प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें अन्य प्रकार के विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश में बदला, मतलब विभिन्न ऊर्जा होता है उसको हम किसके रूप में बदल सकते हैं, प्रकाश। जैसे अभी हम लोग बदले तेल को कैसे, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल दिए। उसी बाद बल्ब जलाने के लिए क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को हम किस में बदलते हैं, प्रकाश ऊर्जा में।
प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। इससे पता चलता है कि प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें अन्य प्रकार के विभिन्न ऊर्जाओं में प्रकाश में बदला जाता है। इस चीज के कारण क्या होता है, प्रकाश एक प्रकार क्या होता है, ऊर्जा होती है। प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु है, वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करती है प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु कहलाती है। जैसे हो जाए सूर्य, तारे, जलता बल्ब, जलती मोमबत्ती, यह सब कभी क्या है, प्रदीप्त वस्तुएं हैं। ये सभी क्या करते हैं, प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। जो भी वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु करते हैं। जैसे हमारे सूर्य, तारे, जलता बल्ब, जलती मोमबत्ती, सब क्या है, प्रदीप्त वस्तुएं हैं। सूर्य है जो हम प्रतिभाष के लिए सबसे बड़ा स्रोत है, प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, सूर्य है। अप्रदीप्त वस्तु है, अब क्या है, अप्रदीप्त वस्तु है, जस्ट प्रदीप्त का उल्टा होता है। प्रदीप्त हम लोग पढ़े कि वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करते उसे प्रदीप्त कहते हैं, ऐसा वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते उसे क्या कहते हैं, अप्रदीप्त। तो वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, जैसे टेबल, पुस्तक, पेड़, लकड़ी, पत्थर इत्यादि, वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती उसे क्या कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। तो वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है जैसे टेबल, पुस्तक, पेड़, लकड़ी, पत्थर इत्यादि, ये सब क्या हो जाएगा, अप्रदीप्त वस्तु हो जाएगी। जब किसी प्रदीप्त वस्तु से निकला प्रकाश किसी अप्रदीप्त वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है तभी हम उस अप्रदीप्त वस्तु को देख पाते। उदाहरण के लिए चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता, वह अप्रदीप्त है। जब सूर्य से प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है तो उस प्रकाश का कुछ भाग अप्रदीप्त होकर हम तक पहुँचता है, तभी हम चंद्रमा को देख पाते। अर्थात चांदनी चंद्रमा से आता प्रकाश वास्तव में सूर्य का परावर्तित प्रकाश है। तो इसलिए चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता, किसका होता है, और सूर्य से आता प्रकाश उससे कुछ प्रकाश को अवशोषित कर फिर उसे परावर्तित कर देते हैं, तब हमारी आँख तक पहुँचता है तो लगता है कि चंद्रमा का प्रकाश है। तो हम अप्रदीप्त वस्तु को तभी देख सकते हैं जब प्रदीप्त वस्तु से प्रकाश निकलता है, अप्रदीप्त वस्तु पर का उसके बाद हमारी आँख तक पहुँचता है, तब हम अप्रदीप्त वस्तु को देख पाते हैं। प्रकीर्ण, स्कैटरिंग, तो प्रकीर्ण किसे कहते हैं, जब प्रकाश सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकृत करते हैं, इस प्रक्रिया को प्रकीर्ण कहते हैं। प्रकीर्ण का अर्थ होता है कि फैलाना, तो किसी चीज़ को फैलाता है। जैसे कि मान लीजिए क्या है, सूक्ष्म कण है कि इस पर प्रकाश, यहाँ से प्रकाश आया, प्रकाश जब प्रकाश सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तब वे कण उन पर पड़ने वाला कुछ प्रकाश को क्या कर अवशोषित कर लेता है, फिर उसे चारों ओर विकृत, मतलब इसको दे देगा, इधर देगा, इधर देगा, चारों तरफ क्या कर देगा, विकृत में फैला देगा। तो जब प्रकाश, मान लें कि प्रकाश है क्या, जब प्रकाश सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तब वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश से कुछ ऊर्जा को अवशोषित क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, कुछ ऊर्जा को क्या कर लेता है, कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर उसे फिर चारों ओर क्या करता है, चारों ओर फैला देता है, क्या करता है, विकृत करता है। जब प्रकाश सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण क्या जाएगा, वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश से कुछ ऊर्जा को क्या करता है, जब प्रकाश सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाला कुछ ऊर्जा को क्या कर अवशोषित कर फिर उसे चारों, प्रकाश यहाँ से आया, मान लीजिए सूक्ष्म कण यहाँ पर पड़ा, यहाँ पर सूक्ष्म क्या कर कुछ वे कण जो उस पर पड़ने पर कुछ ऊर्जा क्या करेगा, अवशोषित करे, अब फिर उसे क्या करेगा, चारों तरफ फैला दे, इधर दे देगा, इधर दे देगा, यहाँ पर दे देगा, तो चारों तरफ फैला दे रहा है, तो वह विकृत करना होता है, क्या होता है, तब वे जब प्रकाश सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तब वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश से कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों विकृत करता है, क्या करता है, विकृत मतलब फैला देता है। हम लोग का ही ना डेफिनेशन है प्रकीर्णन, तो जब प्रकाश सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तब वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर छूट गया, क्या है, चारों ओर विकृत करते हैं, इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, प्रकीर्णन। तो इसी प्रकीर्णन प्रकाश के कारण हम दिन में ऐसी वस्तु को देख पाते हैं जिस पर सूर्य का प्रकाश सीधे नहीं पड़ता, मतलब दिन में हम ऐसी वस्तु को देख पाते जिस पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि हम किसी कमरे में हैं या किसी बाहर
कमरे में कोई वस्तु रखा हुआ तो उस पर डायरेक्ट प्रकाश नहीं, तो क्या हो, बाहर से गिर के विंडो या डोर से प्रकाश आता है उस वस्तु पर पड़ता है, फिर वहाँ से हमारे आँख तक आता है, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। तो सीधे प्रकाश नहीं ना हुआ, तो सीधी नहीं पड़ेगा ना, तो इस प्रक्रिया के कारण हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को देख पाते जिस पर सीधे प्रकाश नहीं पड़ता। प्रकाश के किरणें, तो एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को क्या, प्रकाश को प्रकाश की किरणें कहते हैं। क्या कहते हैं? एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण कहते हैं, या एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं, या सीधी रेखा, तो एक सीधी रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह क्या कहते हैं? प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं।